हम सभी फिट रहना चाहते हैं और फिट रहने के लिए नए नए तरीकों को आजमाते हैं। अब फिट रहना भी बहुत जरूरी है और आजकल जिस हिसाब से सभी लाइफ को जी रहे हैं उसके लिए फिट रहना तो बहुत जरूरी है। और फिट रहने के लिए लोग बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, इतना ही नहीं नए नए तरीकों को ईजाद करते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका जो आज से नहीं बल्कि सदियों से कारगर माना जा रहा है और आज भी है, पर लोगों ने कहीं ना कहीं उससे दूरी बना रखी है। अगर देखिए, किसी को कहीं जाना हो, ऑफिस जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो उसकी पहली पसंद कार और बाइक ही होती है। लेकिन पहले के लोगों की पसंद वही हुआ करती थी, और बात पसंद की नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक ऐसा तरीका है फिट रहने का जो अगर कर लिया जाए तो फिर अगर कुछ भी नहीं करो तो भी चलता है। और हम बात कर रहे हैं बाईसाइकिल की, जो आज कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। बस आज ये बच्चों के शौकिया रूप में तो देखी जाती है, लेकिन हम आपको कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जाने कि कल यानी कि 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया। साइकिल को लेकर लोग जागरूक हो इसलिए ये दिवस मनाने का फैसला लिया गया, और 3 जून 2018 से संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की। तो अगर आप भी अपनी फिटनेस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए और बाइक कार की जगह साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी, इसके साथ ही उम्र का ढलना भी बहुत तेजी से कम हो जाएगा। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन बहुत फायदे हैं साइकिल से। साइकिल चलाने से दिल के रोग नहीं होते, मोटापा भी कोसों दूर भागता है, यही नहीं डिप्रेशन में भी फायदा मिलता है। रोज साइकिल चलाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है और जोड़ों के दर्द की शिकायत भी नहीं होती। तो अब इतने सारे फायदे हैं तो यकीनन साइकिल चलाना तो जरूर बनता ही है। और अब बात करते हैं साइकिल और सेलिब्रिटी। जी हाँ, फिर चाहे वो सलमान खान हो, प्रियंका हो, उनके पति निक जोनास हो, या फिर मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन, जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन आज भी उनका फिटनेस लेवल देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। वो साइकिलिंग के साथ साथ काफी रनिंग भी करते हैं। विश्व साइकिल दिवस के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने सरकारी आवास से सचिवालय साइकिल से गए। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर के सुरक्षा अधिकारी, उनके मीडिया सलाहकार राजीव जैन और कुछ अन्य अधिकारी भी करीब 1.5 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उनके साथ थे, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी भी जानते हैं कि साइकिलिंग के कितने फायदे हैं। कोई फिल्म स्टार हो या नेता हो, वो भी साइकिल को चलाने से पीछे नहीं हटते।